नहीं खाया इसलिए मैं उसको अपने हाथों से पानी पिला रही हूँ। यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग। और व्लॉग आज है उन्हीं सभी मायों के लिए, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी का व्रत जो कि सभी माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनकी हेल्थ के लिए व्रत रखती है कि वो सही सलामत रहें। तो मैंने भी ये फास्ट रखा है, मेरा भी आज फास्ट है। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस फास्ट में क्या क्या करते हैं, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है इसके फास्ट के बारे में, मैं उन लोगों को आज बताऊंगी कि इस फास्ट में क्या आता है। तो जैसे मैं अभी और अक्षी है, अक्षी अभी सोकर उठी है, अभी वो दूध वगैरह पिएगी, फिर मैं उसको नहलाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी और हम पूजा करेंगे। अरु है जो मेरी बड़ी बेटी है, तो वो स्कूल चली गई है नहा धो करके। तो मेरे पास दो बेटियाँ, तो इन्हीं के लिए मैंने आज फास्ट रखा है। और अभी हम करेंगे पूजा की तैयारी, इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी और पूजा का टाइम बताऊंगी, व्रत कैसे खोलना है। तो गाइज अक्षी दूध पी रही है, अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं ये होती है झकरी, इसको झकरी बोलते हैं, इसको मैंने वॉश किया है, मैं इसको धूप में डालने जा रही हूँ। ये भी व्रत का एक पार्ट है, व्रत में रखते हैं। इसमें हम मतलब जैसे मट्ठी प्रसाद भोग बनाते हैं वो रखते हैं, पर मट्ठी शक्कर पारे कुछ भी आपने इसको भरना है तो उससे इसमें रख देते हैं। तो सही प्लांट्स में पानी देते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो ये है मेरा ऑरेंज डोज जो कि मैं मम्मी के घर से लेके आई थी, इसकी कलम। तो अभी ये चल रही है, पता नहीं इसमें फ्लावर कब लगेंगे। और ये है येलो कलर का, और ये मेरा मनी प्लांट, और बाकी ये पिंक कलर का रोज है, जैसे मजंटा कलर होता है ना वो वाला कलर है ये। तो इसमें एक बार लग चुके हैं, और इसमें देखते हैं, आप देख रहे हो इसमें ये ब्लू कलर के पर्पल कलर के फ्लावर्स लगते हैं। ये अभी सूख गया है, तो इसमें आ रहा है, देखिए आप इसमें छोटा सा आ रहा है। अब इसमें फिर से फ्लावर्स लगेंगे, एक बार ये सब सूख चुके, मतलब फ्लावर लग के एकदम सूख गए हैं और नए वो आ रखे हैं, इसमें नए लीव्स आ रखे हैं और नए फ्लावर आएंगे। हम डाल देते हैं चिली वाले इसमें, जैसे जी तो इधर मनी प्लांट, ये मनी प्लांट, यहाँ पे भी पानी लगाना है। और ये हैंगिंग वाले हैं, और ये देखिए प्लांट रखा है। और ये देखिए अक्षय ने, मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं इसको नहलाती हूँ और तैयार करती हूँ। हो गया आपका ब्रेकफास्ट, से हाय करो। व्रत के लिए हमें मूली भी चाहिए पूजा के लिए, तो अभी सब्जी वाले भैया आए हैं तो मैं उनसे मूली लेने जा रही हूँ, क्योंकि 40 रुपये किलो है। अच्छा रखिए मूली, फ्रेश फ्रेश मूली। तो हम इसके लिए हमें चाहिए गन्ने, दो गन्ने भी हमको चाहिए जो कि हमें मार्केट से मिलेंगे। अगर घर पे यहाँ पे आए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी मार्केट से लाने के लिए, क्योंकि उन्हें उठाना पड़ेगा। तो अक्षी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अक्षी का ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं उसको नहलाती हूँ, तो मिलते हैं बाय बाद में। देखिए अक्षी नहा ली है, तैयार हो चुकी है, और ये इसने ड्रेस पहनी है। अभी मैंने फिलहाल इसको यही पहनाई है, शाम को मैं उसको दूसरी पहनाऊंगी। और गाइज मैं बता दूं कि हम हिमाचल में हैं, तो हिमाचल में विंटर स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने अक्षी को विंटर ड्रेस पहनाई है। तो बैठिए, अभी इसका कॉम करना है। तो हम अक्षी का बाल बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब बढ़ेंगे, तो मैं इसको कॉम कर देती हूँ। और ये बाल चोटी नहीं बनाती, बोलती है वो मुझे पेन होती है। तो ये हम अक्षी का हेयर स्टाइल बनाते हैं आज। वाह, अक्षी तो बहुत प्यारी लग रही है। तो ये हमने अक्षी का, ये पापा है आपके, तो फ्रेंड्स बोल रही है मेरे पापा, क्योंकि इसके पापा को भी स्पेक्स लगी है ना, तो इसको भी लगी है, तो बोल रही है मेरे पापा।
चुकी हूँ। तो देखिए आज मैंने ये सूट पहना है और तैयार हो चुकी हूँ मैं। तो मैं लेकर आई हूँ सामान, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आऊँ। तो सॉरी गाइज, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले जा पाई मार्केट में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ ये अहोई माता का फ़ोटो, जो शाम को हमने कथा पढ़नी है। इसमें देखो सब कुछ है, माता की फ़ोटो भी है और यहाँ पे देखो व्रत कथा भी है। तो मैं ये लेके आई हूँ एक, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं फ्रूट्स लेके आई, फ्रूट्स में मैं लेके आई हूँ गवा, ये देखिए ये फ्रूट्स लेके आई हूँ मैं। एप्पल लेके आई हूँ मैं, जो मेरी वो है झकरी उसमें डालने के लिए मैं एप्पल लेकर आई हूँ। और ये मैंने कुछ चॉकलेट्स दी हैं और वो रक्षा के लिए वो भी डालूंगी मैं इसमें। अभी चिप्स लेना है, चिप्स रह गया है, ये मैं कुछ चॉकलेट्स लेके आई हूँ उनके लिए। और ये मैंने लिया है मट्ठी शक्करपारे, और मीठी मट्ठी है इसमें, नमकीन मट्ठी है। और सबसे मेन बात गाइस जो है मोती, ये जो चांदी का मोती है, ये चांदी के मैं मोती लेके आई हूँ चार, ये देखिए, जो कि अहोई माता की जो मोती है लॉकेट ऑफ बनावट है वो डालती हैं माएँ अपनी गले में। तो उसके लिए मैं मोती लेके आई हूँ। हर साल ये मोती दो दो डलते हैं, जैसे अरु 6 साल की है, मतलब अभी 6 साल की है, तो इस बार अगर 2 मोती डलेंगे तो 7, उस जो माला है वो अहोई माता की, तो उसमें 7 मोती हो जाएंगे, मतलब 14-14 हो जाएंगे। तो ये दो, एक अरु के है और एक अक्षी का है। तो ये इसमें बहुत ज़रूरी है सब सामान। और मैं आपको अहोई माता की वो भी दिखाती हूँ लॉकेट। तो गाइज ये है अहोई माता का ये लॉकेट, जो चांदी में मैंने बनवाया है। ये अरु का है और ये, और ये अक्षी का है। अक्षी का पिछली बार गाइस क्या हुआ, मेरे से ये मैं रख कर भूल गई थी तो मुझे नहीं मिला था। तो उसके 2 मोती और पड़े हैं इसके, मतलब इस साल इसको 2-4 मोती डलेंगे, क्योंकि 2 पिछले साल के और 2 इस साल के। तो ये है दोनों का, ये अपने गले में माया को अपने गले में डालना होता है आज के दिन। और फिर ये कब उतारते हैं, जिस दिन भैया दूज होता है, भैया दूज वाले दिन ये गंगा जल में धो कर के अच्छे से फिर इसको उतारते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने काम तैयार कर दिया है। और ये अक्षय को मैंने ये बना दिया है देखिए। और अरु को जब वो ट्यूशन गई है अभी, वो आएगी तो पहनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हो हम ये माता का ये जो है वो है ये तैयार करते हैं। ये यहाँ पर मैंने तो रखा है, ये अरु का है, ये मैंने यहाँ पे रखा है अरु का, आएगी तो पहनाएंगे। इसमें जो मेन पार्ट है जो मैं लेकर आई हूँ वो है गन्ने। गन्ने भी इसमें पूजे जाते हैं, ये देखिए ये गन्ने लिए हैं मैंने। तो गाइस हमें बनाना है प्रसाद शाम के लिए, जो कि उसमें जो झकरी है जो मैंने आपको दिखाई थी, वॉश करती की थी मैंने, तो उसमें हमने प्रसाद भी डालना है। उसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ सूजी का, सूखे वाला। फिर शाम को जब हम कथा करेंगे व्रत खोलने से पहले, हमने फिर हलवा भी बनाना है, हलवा पूरी, वो मैं बाद में शाम को ही बनाऊँगी। जस्ट अभी मैं दिखाती हूँ आपको सूखा प्रसाद। ये सूजी का सूखा प्रसाद बनाया मैंने, इसमें देसी घी डाला है और सूजी डाली है। तो अब इसको हम ये ब्राउन होने तक इसी तरह से हिलाते रहेंगे। कि गाइस प्रसाद मेरा हो चुका है, तो ये मैंने थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, ये मेरा प्रसाद हो चुका है। और अभी ये बहुत गर्म है तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसमें इसके बाद इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं छत पे जाके जो हमने झकरी धोकर डाली थी सूखनी, वो सूख गई है कि नहीं, फिर हम उसमें सामान डालते हैं। तो ये देखिए इसमें पानी सूख चुका है। अरु ट्यूशन से आ चुकी है और मैंने अरु को भी बना दिया है, ये देखिए। अब हम कथा पढ़ेंगे। प्रसाद मेरा बन चुका है और इसमें मैं आपको डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ, जो मैंने पहले से ही कट करके रख दिया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम इसको इसमें, ये हमने झकरी है इसमें भरते हैं सामान।
तो गाइस देखिए ये है हमारी ढकरी जिसमें सबसे पहले हम बांध लेंगे मोरी। ये हमने यहाँ पर बांध ली मोरी, तो मैं हम इसमें बनाएंगे स्वास्तिक। इसमें हम 7 स्वास्तिक के 5 स्वास्तिक बनाएंगे। तो ये गाइस हमने 5 स्वास्तिक बना दिए है इसमें। अब हम क्या करते हैं इसमें ये न्यूज पेपर बिछा करके बिछा दिया है। और अब जब ये प्रसाद जो हमने बनाया था ये प्रसाद ठंडा हो चुका है, अब ये प्रसाद हम इसमें डालते हैं। ये चढ़ाई ये सिंघाड़े हमने इसमें रखने हैं, प्रसाद में सिंघाड़े हमने यहाँ रखने हैं। ये मेन है गाइस सिंघाड़े को, ये पेठा है गाइस, ये पेठा है, पेठा हम ऐसे मैं मट्ठी लेके आई हूँ गाइस, तो ये मट्ठी हम रख देते हैं। मट्ठी रखी थी मम्मा, अच्छी भी साथ बोल रहे हैं। तो ये है मट्ठी, नमकीन मट्ठी है गाइस, तो ये हम नमकीन मट्ठी इसमें भर देंगे, हमने भर दिया। इसी तरह से हम सारे सामान इसमें भर देंगे। ये हमने मट्ठी डाल दी है, ये मीठी मट्ठी हमने ये देखिए यहाँ पे डाल दी है, मट्ठी मट्ठी डाल दिया हमने। हमने क्या करना है इसमें भी हमें मूली बांध देनी है इस तरह से, क्योंकि ये भी मूली हमें यूज करनी है हमें। भी इस तरह से ये हमारा तैयार हो चुका है गाइस। तो अब हमने क्या करना है इसको रखना है। देखिए इस तरह से मैंने ये इनका आसन लगा दिया है, पूजा कर दी है, क्योंकि टाइम हो गया है। कथा हमने मैं अभी नहीं पढ़ी है, गन्ना गन्ने में भी मैंने मोली बांध दी है। कथा मैंने अभी नहीं पढ़ी है क्योंकि अरु ट्यूशन गई है, उसको लेकर आती हूँ, देन हम कथा पढ़ते हैं। देखिए हमने पूजा कर ली है और अरु अक्षय ने अपनी बैंगल्स रखी है यहाँ पर, तो ये हमने पूजा कर ली है। अभी कथा पढ़नी है, कथा पढ़ने के लिए अभी हमने हलवे का प्रसाद बनाना है, बैना निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ बैना निकालने के लिए। बैना हम 5 निकालते हैं और वो हम कन्याओं को देते हैं। तो अभी हम इसको बनाते हैं, हलवे को बुनाई करते हैं इसकी। तो गाइस ये मेरा देखिए हो चुका है ब्राउन। तो अब हम इसमें गर्म पानी डालते हैं जो कि मैंने पहले से ही बॉइल करके रख लिया है, थोड़ा सेफ है। तो गाइस ये हलवा हो चुका है और ये देखिए अब हम इसमें डालते हैं क्रश करे हुए बादाम जो मैंने पहले से ही क्रश किए थे। ये देखिए ये बादाम है, तो हम इसको ऐसे इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देते हैं। गाइस देखिए मैंने 5 जगह बैनर निकाल दिया है हलवा बना करके, और अब हम करते हैं कथा। तो आइए आप भी सब कथा पढ़िए। और हाथ में हमने ले लेने हैं 7 गेहूं के दाने, तो ये देखिए गेहूं के दाने मैंने हाथ में ले लिया है क्योंकि मैंने कथा पढ़नी है। तो आइए अब हम कथा पढ़नी स्टार्ट करते हैं। श्री अहोई आठे की व्रत कथा। इस व्रत का कार्तिक लगते ही हमें स्नान करना। जय अहोई माता। तो गाइस हमारी व्रत कथा पूरा हो चुका है, और जो ये हमने गेहूं के दाने लिए ये आप अपने जेवर में रख दोगे। तो चलिए अब हम तो भाई जी मैंने भोग लगाया है, ये हम कन्याओं को देते हैं। तो मैं ये अरु और अक्षय को देती हूँ। आप ऊपर क्यों देख रहे हो? चलो तो गाइस हम जा रहे हैं पूजा करने। देखिए छत पर और अक्षय को दिख गई है लिजार्ड, तो वो उससे डर रही है। चलिए आ गए हैं हम छत पर पूजा करने, वेट करो, चलो चलो। तो हम पहले तारों को देंगे अर्घ। मेरा दिया ना बुझ जाए, हवा चल रही है, दिया बुझ जाएगा। फिर रख देती हूँ मैं गाइस, ये मैंने रख दिया इधर दिया, ये देखिए गाइस।
गाइस, आज मम्मा का व्रत है और मम्मा ने हमारे लिए रखा है, तो मैं व्रत खोल रही हूँ आज। तो गाइस, मैं व्रत खोल रही हूँ। जैसे आपको अरुण ने बताया है, तो मैंने धूप जलाई, दिए जलाया। चलो तारों को हम दे रहे हैं अर्घ। मामा ने प्रसाद दे दिया है। अब मैं अर्घ दूंगी गाइस। हटो अक्षु, अक्षु पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, कुट्टू पे पानी गिर जाएगा। हटो, बहुत सारे तो गाइस मैं तारों को अर्घ दे रही हूँ। अब तो गाइस ये मैंने अर्घ दे दिया है, अब हम चलते हैं नीचे। अब मैं पानी पीऊंगी, बाय गाइस। तो गाइस, जैसे कि मम्मा ने हमारे लिए व्रत रखा था और मम्मा कल सुबह से भूखी है, मम्मा ने पानी भी नहीं पिया है, खाना भी नहीं खाया, इसलिए मैं उनको अपने हाथों से पानी पिला रही हूँ। गाइस, मम्मा बहुत अच्छी होती है। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। आप भी पिला दो मम्मा को पानी। तो गाइस, सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो अरुण ने मुझे पानी पिलाया, मेरा व्रत तोड़ा। तो मेरा व्रत ख़त्म हो चुका है और मैंने आपको बता दिया कि आहुति माता का व्रत कैसे होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी। बाय बाय गाइस, और आपको सभी को मेरी ओर से आहुति अष्टमी की मुबारक। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।